आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। बीजेपी हर जगह हार रही है तो उसे 400 सीटें कैसे मिलेंगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के इस दावे पर कसा तंज। दिल्ली यूपी ही नहीं, गोवा में भी सुरक्षित नहीं है पर्यटक। बीचेज पर भी लोगों को नहीं बखस रहे आवारा कुत्ते, सरकारी रिपोर्ट में खुलासा। भारत पे के फाउंडर असनीर ग्रोवर को विदेश जाने के लिए देनी होगी 80 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी को बताया राम विरोधी। पीएम मोदी ने वाराणसी में मतदान से पहले काशी के लोगों को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी द्वारा लिखी चिट्ठी, वाराणसी संसदीय सीट के 2000 घरों तक पहुंचाने का टारगेट। शशि थरूर ने पीएम मोदी के जैविक शरीर वाले बयान पर उठाए सवाल, बोले क्या प्रधानमंत्री को वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है? बीजेपी वाले लोगों को झूठ बोलकर और समाजवादी पार्टी की रैली में ले जाने का झांसा देकर अपनी रैलियों में लेकर जा रहे हैं। अखिलेश यादव का हमला, तेल पिलावन लठिया घुमावन। एक समय यहां बाहुबलियों का शासन था, यहां जंगल राज था। बिहार में अमित शाह का लालू यादव पर हमला। मुस्लिमों की 77 जातियों को बना दिया ओबीसी, इन्हें हर जगह मिल रही मलाई। आरक्षण का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। संकट से जूझ रही पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस अपने 5000 से 6300 कर्मचारियों की पेटीएम से कर सकती है छटनी। चुनाव आयोग ने वोटिंग डेटा देने से किया मना तो भड़क उठे कपिल सिब्बल, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय दहेज का विवरण देना जरूरी, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। आजम खान उनके बेटे और पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में मिली जमानत। शेयर बाजार में सेंसेक्स ने छू लिया नया रिकॉर्ड, निफ्टी पहली बार 23,000 के पार। सिट्रोएन ने भारत में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर, कंपनी की कारों के प्रति ग्राहकों को करेंगे जागरूक। जल्द पूरा होगा टिहरी बांध परियोजना के तीसरे चरण का काम, एक महीने नहीं होगा बिजली का उत्पादन, बढ़ेगी बिजली संकट। बीसीसीआई ने किसी ऑस्ट्रेलियन को कोच का ऑफर नहीं दिया, जय शाह ने ऐसी खबर का खंडन किया, पोंटिंग ने कहा था ऑफर मिला। जून माह तक चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, फूल 31.55 लाख पार कर चुका आंकड़ा। विभव कुमार को 4 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी, दिल्ली सीएम के पीए पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, 18 मई को अरेस्ट हुए थे। बूथ वाइज डेटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट बोला 5 फेज की वोटिंग हो चुकी, चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, उतरने की कोशिश में 8 बार लहराया, टेल जमीन से टकराई, 7 लोगों की जान बची। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग आज, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार और मेनका गांधी मैदान में, पूर्व हाईकोर्ट जज भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में अमित शाह बोले अब तक के रिजल्ट में मोदी को 310 सीट मिल चुका है, 400 सीट जिताइए, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। चीनी अस्पतालों की बदहाली दिखाने वाली पत्रकार रिहा, कोरोना के दौरान कई वीडियो वायरल किए थे, कहा था चीनी सरकार मौत का गलत आंकड़ा बता रही है। आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए देश नहीं छोड़ा, भगौरा मेहुल चौकसी बोला मेरा पासपोर्ट सस्पेंड है इसलिए नहीं लौटा पा रहा भारत। अशोक लीलैंड का चौथी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़कर 933 करोड़ रुपए, आय सालाना आधार पर 2.84% बढ़ी, कंपनी के शेयर ने एक साल में 45% रिटर्न दिया। पीएम मोदी बोले हिमाचल सरकार ज्यादा दिन नहीं, कंगना को भद्दी बातें देवभूमि का अपमान, सबका आरक्षण छीन वोट जिहाद वाले मुसलमानों को देना चाहते हैं। रूस अपने यहां मौजूद अमेरिकी संपत्तियां जब्त करेगा, पुतिन ने ऑर्डर पर दस्तखत किए, बाइडेन सरकार के बैन से हुए नुकसान की भरपाई होगी। छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद माओवादियों का पत्र, खून खराबा रोकने वार्ता के लिए तैयार, कल गृह मंत्री ने कहा था मुख्य धारा में लौटे। सम्राट चौधरी का दावा बिहार में 40 सीट जीतेंगे, गिरिराज बोले 4 जून को नमाज पढ़ते दिखेंगे लालू प्रसाद। मिजोरम में घुसे मणिपुर से भगाए गए 5000 म्यांमारी, चीन कुकी लोगों का 7 से 8 गांव में अवैध कब्जा, रिश्तेदारों के घर जाकर छिपे। एयर इंडिया ने पायलटों की सैलरी 15,000 रुपए तक बढ़ाई, एयरलाइन ने 1.8 लाख तक के वार्षिक परफॉर्मेंस बोनस का भी ऐलान किया। के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जवाब मांगा था, शराब नीति केस से मामला जुड़ा है। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना को देवगौड़ा की चेतावनी, भारत लौटो और जांच का सामना करो, परिवार की नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे।
सम्राट चौधरी बोले, लालू जी को ठंडा कर देंगे, चिंता मत कीजिए। पटना में कहा, गुंडों को ठूस ठूस कर जेल में डालेंगे, लिस्ट बना रहा हूँ। प्रियंका गांधी बोली, हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर, मोदी ने किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा, उन्हें हराने के लिए वोट देना। हरियाणा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा, बोले कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति की, अब इनके मंसूबे और ज्यादा खतरनाक। राम रहीम के समधी बीजेपी में शामिल, रक्षा मंत्री बोले झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस। गुजरात हाईकोर्ट में 1318 पदों पर बंपर भर्ती, स्टेनोग्राफर सेक्शन ऑफिसर बनने का मौका, 1,42,000 तक सैलरी। पीएम मोदी बोले, भगवंत मान कागजी मुख्यमंत्री, इंडी गठबंधन ने CAA के नाम पर दंगे भड़काए, विरोध करने आते किसानों को पुलिस ने हाईवे पर घेरा। केजरीवाल बोले, मोदी जी मेरे माता पिता को प्रताड़ित ना करे, आपकी लड़ाई मुझसे है। गुरुग्राम में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर, रिटायर्ड DGP सील मधुर बोले, वोट अच्छे कैंडिडेट को दें, भले वो चुनाव ना जीते। पीएम बोले, 4 जून को बाजार रिकॉर्ड बनाएगा, इकोनॉमी में लोगों को भरोसा, 10 साल में डीमैट अकाउंट 2.3 करोड़ से 15 करोड़ हुए। मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू, कहा विभव ने थप्पड़ और लात मारी, मदद के लिए कोई नहीं आया, केजरीवाल घर में ही थे। पंजाब के पूर्व CM चन्नी पर निर्वाचन आयोग सख्त, सेना को लेकर दिए बयान पर चेतावनी, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया। CM सिद्धारमैया का PM मोदी को दूसरा लेटर लिखा, प्रज्वल ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तुरंत रद्द करें। 52 जिला मुख्यालयों में हो रही काउंटिंग की तैयारी, CEO MP इलेक्शन की टीम कर रही जिलों का दौरा। सोने की कीमत में 1,289 रुपये की गिरावट, 72,791 रुपये पर आया सोना, चांदी भी 3,476 रुपये सस्ती हुई। चुनाव आयोग बूथवार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में कहा इसमें बैलेट पेपर के आंकड़े भी होंगे, इससे वोटर्स में भ्रम फैलेगा। चिदंबरम बोले, सरकारी नीति की आलोचना विपक्ष का अधिकार, चुनाव आयोग ने कहा था कांग्रेस संविधान पर गलत बयानबाजी और सेना का राजनीतिकरण ना करें। अमेरिकी दूतावास ने लामी छाने को वीजा देने से इनकार किया, नेपाली क्रिकेटर के T20 वर्ल्ड कप खेलने पर संशय। मोदी बोले, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा, शराब घोटाले नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई पाई वसूली जाएगी, जिसने लूटा है उसने लौटाना पड़ेगा। चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस, कहा नेताओं से कहें सेना संविधान पर बयानबाजी ना करे, धर्म संप्रदाय पर भी ना बोले। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल, कहा घटना मेरे सामने नहीं हुई, आज पुलिस मेरे माता पिता से पूछताछ करेगी। हरियाणा में बोले राहुल गांधी, मोदी ने 22 लोग अमीर बनाए, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। CM मान का अकाली दल पर निशाना, बोले पंजाब के लूटे पैसे से बनाए 5-स्टार होटल, कागजात लेकर करेंगे कब्जा। बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द, हाईकोर्ट ने गैर कानूनी बताया, 5 लाख प्रभावित होंगे, ममता बोली मुझे मंजूर नहीं। CBSE बोर्ड ने बदला क्लास 9 का सिलेबस, अब 5 की जगह 6 सब्जेक्ट्स में होंगे एग्जाम, टोटल 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। हरियाणा में पहली बार CCTV से बूथों की निगरानी, 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग आज, 223 उम्मीदवार, सोशल मीडिया पर पुलिस रखेगी नजर।